सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? है आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग रेडी है और जा रहे हैं दिल्ली। जैसा कि हमने आपको बताया थे, ट्रेवल वगैरह ये सब करेंगे, तो अभी हम दिल्ली जा रहे हैं और एक मेरी आंटी भी जा रही है, उनके साथ जा रहे हैं अभी। तो अभी टाइम हो चुका है, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, नहा धोकर फ्रेश है एकदम, और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं गाइज। तो आप लोग चलो, वहाँ का भी ब्लॉग आप लोग को दिखाएंगे, तो चलते हैं। ऋषि भी तैयार है। ऋषि, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और यहाँ पे बोलो था कैमरा पे, हाय गाइस। तो खुश है ना? हाय, चले ना हम लोग दिल्ली। तो गाइस, अभी हम लोग चलेंगे दिल्ली, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। देख सकते हैं अभी कृष्णनंदन यहाँ पे खड़ा है और सौरभ यहाँ पे आ गया है, और गाड़ी से अभी यही लोग छोड़ेंगे और ऋषि बैठ गया है गाड़ी पे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं, आपसे स्टेशन पर मिलते हैं। तो गाइस, अभी आ चुके हैं अपने स्टेशन पर, और देख सकते हैं ये है अपना मुजफ्फरपुर स्टेशन, और यहीं से अभी गाड़ी आएगा 11 या 11:30 में, उसी से ट्रेन है। तो चलते हैं यहाँ से दिल्ली और ट्रेन में मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए और जैसा कि आपको दिखाते हैं ट्रेन चलने लगा, भी अभी गाड़ी चल रहा है और अभी हम लोग बैठे हैं। और यहाँ देख सकते हैं ऋषि को और उसकी मम्मी है और बउआ सबको पूरा ट्रेन से बाहर देख रहा है। ऋषि कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। वहाँ क्या करेगा, क्या करेगा वहाँ जाकर? घूमेंगे जाके। ऋषि क्या करोगे? घूमेंगे जाके। क्या करेगा वहाँ? घूमने जा रहा है। अब पढ़ेगा कौन? तो सो गाइस, जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आपसे मिलते हैं वहाँ पे दिल्ली स्टेशन पे। तो अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए और अभी तो उतना जगह भरा नहीं है, देख सकते हैं पूरा खाली खाली है। और रास्ते में क्या पता बहुत जगह भर भी जाएगा, खाली है। और अभी गाड़ी चलने लगा है, काफ़ी रफ्तार है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी सब क्रांति एक्सप्रेस से जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए वहाँ पे आपसे मिलते हैं। सो गाइस, ये डे टू है और हम लोग दिल्ली स्टेशन पे पहुँच गए, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और गाइस, यहाँ का तो स्टेशन काफ़ी बेहतर है, अपने मुजफ्फरपुर से तो अच्छा ही है, सब चीज़ नियम कानून से चल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था स्टेशन पे, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। अभी ये मामा आए लेने, भोलू नाम है इनका। ऐसे चलते हैं आगे, तो फिर हम आपसे बात करते हैं। देख सकते हैं पूरा यहाँ का स्टेशन काफ़ी अच्छा है, आदमी लोग यहाँ से आराम से निकलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग बैठ गए हैं अपने बस में, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, वहाँ पे हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, जो भी था हमको हमने आपको दिखाई दिया। और अभी हम लोग यहाँ है, यही मामा आए हैं लेने और घूमेंगे, और हमको तो उतना पता नहीं, फर्स्ट टाइम दिल्ली आए हैं, तो ये सभी जगह घुमाएँगे और आप भी थोड़ा इन्जॉय करना ब्लॉग में। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ आंटी बैठी हुई है और ये ऋषंक है, ये पूरा भर रस्ते खेलते हुए आया है। ऋषंक क्या कर रहा है? हेलो कर दो, हेलो कर दो। क्या कर रहा है? ये पूरा खा रहा है, देखिए टाटा बाय कर रहा है। क्या कहाँ जा रहे हो? सो गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट घर के लिए, बस से आपको घर से मिलेंगे, क्योंकि रात में हम लोग सो भी नहीं पाए ठीक से, और पूरा भीड़ से भरा हुआ था रात भर, पूरा जगह पूरा आँख लाल लाल है। तो आप लोग चलिए वहाँ पे, हम आपसे मिलते हैं घर पे। और सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ दिल्ली में पहुँच गए हैं और नानी के घर पे, और सब लोग आ गया है। यहाँ देख सकते हैं ऋषि को। है ऋषि, क्या कर रहा है? है जूता पहन लिया? कहाँ जा रहा है घूमने? कहाँ जा रहा है घूमने? कहाँ? पार्क में जाएगा घूमने? अब भी जाएगा पार्क में? है गाइस, अभी हम लोग जाएंगे घूमने पार्क। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए और देख सकते हैं यहाँ पे ये ऋषंक यहाँ पे खेल रहा है और आंटी हमारी यहाँ बैठी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, ऋषि को पार्क घूमना है, रो रहा था बहुत ज़्यादा, और आगे चलते हैं। तो चलिए, अभी आया हूँ पार्क में, आ गया हूँ, और ऋषि यहाँ अपने मामा के साथ चल रहा है। तो आप लोग भी देखो पार्क को, और जगह घूमेंगे तो घुमाएंगे आपको भी साथ में। तो गाइस, अभी हम लोग पार्क घूमने आए, ये रो रहा था ऋषि, तो इसको लेकर आया है। अभी ये झूला झूलने जा रहा है, देखो यही सब के लिए ही आया है ये घूमने। ये कौन सा पार्क है मामा? स्वामी सरदानंद पार्क। ये स्वामी सरदानंद पार्क है, और ये पूरा देखिए, ये पूरा सिर्फ पिछलने आया। अरे चल चल चल, जल्दी चल, चलो आगे, चलो आगे 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 और आगे और आगे। तो गाइस देख सकते हैं, इसमें घूमने के लिए आदमी लोग बहुत सारा कपड़ा वगैरह, ये सब घर के पास का है यहाँ पे,
कहाँ पे है ये? रानी बाग में ना? ये रानी बाग में ऋषि नगर में पड़ता है। रानी बाग ऋषि नगर में है ये पार्क, है ज़्यादा बड़ा भी नहीं, यहाँ पे आदमी लोग घूमते हैं। और चलो एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ ऋषि को देखिए, ऋषि को सबसे अच्छा है, उसके मामा यहाँ झुला रहे हैं। एक पैर है इसको, एक एक अलग अलग अलग, एक इस पे, एक इस पे, एक उस पे। हाँ इसको पकड़ो, इसको 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 पकड़ो। कौन सा झूलेगा ऋषि? कौन सा नहीं झूलेगा? तो आया क्यों है, आया क्यों है? चलो आज आ जा, आ जा, आ जा, ऐसे ना। गाइस तो ये अभी झूलने से मना कर रहा है, डर रहा है सब पे झूलने से। तो देख सकते हैं इसका मामा पूरा केयर रख रहा है इसको। छोड़ दीजिए, मत बांधिए, ये खुद बांध रहा था। ऋषि तुम तो खुद बांध रहा था ना, क्या तुमको बांधने नहीं आता है? ओहो गिरेगा, तुमको बांधने नहीं आता है क्या? है बोलो तो यहाँ नहीं वाला सीख जाएगा आ गया। और ये इसको सूखा लेस बांधने नहीं आता, अपने से घर पे जैसे तैसे बांध कर चलाया है। ये देखिए, और ये मामा इसके यहाँ पार्क में आकर बांध रहा है। ये सोच रहा अंदर सिर्फ अंदर से आकर जोड़ के चलाया, बोल रहा था बांध लिए। यहाँ देख भाई ऋषि इधर देखो, रे लड़का रे इधर इधर इधर, तुम खुद से झूलने नहीं आया? अरे पकड़ो पकड़ो, इसको खुद से झूलने में डर लग रहा है। इसको पकड़ो ऐसे ऐसे खूब झूमा, दोनों दोनों हाथे, दोनों हाथे पकड़ो ना, लगा जोर, खींचो नीचे नीचे खींचो। हाँ वैसे करो। हाँ हाँ, अब ये खुद कर रहा है, थोड़ी देर में नीचे ना आ जाए। तो गाइस देख सकते हैं अब ये खुद कर रहा है। अच्छा लग रहा है या नहीं? झूला झूल रहा है, डर लग रहा है। हाँ उतार दीजिए, उतार दीजिए, चलो अब आगे। पूरा एकदम ठंड के लिए सबसे अच्छा पार्क लग रहा है ये तो, पूरा धूप धूप है इसमें। अपना ऋषि दौड़ रहा है यहाँ पे, ऋषि दौड़ो तो आगे, थोड़ा दौड़ो तो। हाँ हाँ दौड़ो दौड़ो, सीधा दौड़ो, इधर 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 कीचड़ है, कीचड़ है, इधर 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 ऊपर चलो, ऊपर इधर कीचड़ है, दौड़ो तो। इसके मामा पूरा घुमाने लेकर आया है। चलो आजा आजा जा, दौड़ो। चलो गाइस आगे चलते हैं। अभी हम लोग, रात हो गया है करीबन 7:30 हो रहा है, और हम लोग पार्क वगैरह ये सब घूम लिए और घर जाकर रेस्ट कर लिए, और शाम में अभी हम लोग निकले हैं। कहाँ पे हम लोग आए हैं? रानी बुद्ध बाजार में आए हैं, और यहाँ पे मतलब जितने भी मार्केटें हैं, ये कपड़ों का मार्केट है, बर्तनों का, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। आगे बहुत सस्ता सामान मिलता है यहाँ पे, एक बार आके आप भी ट्राई करें। आपको सगुरपुर में पड़ेगा ये। तो गाइस यहाँ पे सगुरपुर में यहाँ पे बुध बाजार लगता है, ये पूरा काफ़ी ज़्यादा है ना, यहाँ पे भीड़ रहता है, आप लोग जैसे देख सकते हैं पूरा साइड साइड में यहाँ पे बाजार ये सब लगता है। यहाँ पे हर बुधवार को लगता है, यहाँ पे हर बुधवार को लगता है ना, हर हर बुधवार को लगता है ये बाजार यहाँ पे, यहाँ पे हर बुधवार को ये बाजार लगता है, और काफ़ी दूर तक है, कम से कम काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत सस्ता दिया जाता है, और जो सामान आप मार्केट में करते हो आपको यहाँ पे डिस्काउंट रेट में मिलेगा। तो आप लोग भी आए यहाँ पे और एक बार आके ट्राई करें, मार्केट करें, मार्केट दिखाओ। जैसे ये सब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रोड के साइड साइड में यहाँ पे मार्केट ये सब है ना लगा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी सस्ता सामान सा यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे एकदम चलता फिरता रोड है, यहाँ पे काफ़ी गाड़ी सब चलते रहती है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ कम करीबन 2 किलोमीटर तक ये पूरा लाइन से लगा हुआ है बाज़ार, तीन किलोमीटर तक ये बाज़ार लगता है, और हर बुधवार को। तो आप लोग यहाँ पे अगर दिल्ली में हो, दिल्ली से जो भी लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आकर घूम सकते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। और अगर आप आउट ऑफ दिल्ली है तो यहाँ आए तो एक बार ज़रूर बुधवार को आकर यहाँ पे घूम सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर तक है ये बाज़ार। आप लोग देख सकते हैं पूरा दोनों साइड, रोड के इस साइड भी उस साइड भी। तो यहाँ तो अभी पूरा रात हो गया है, तो आप लोग थोड़ा देखना सिनेमैटिक वगैरह ये सब देखना, और ब्लॉग पे बने रहना कंटिन्यू। आप लोग को कल भी हम घुमाएंगे, और जो भी लोग बिहार से है देख सकते हैं पूरा यहाँ पे।
और जो भी लोग बिहार से, वो लोग पूरा एंजॉय करो, देखो, हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। और कल तो हम लोग कल भी जाएंगे, कल का भी ब्लॉग मिलेगा आपको, तो आप लोग देखना, काफ़ी एंजॉय करना, काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ दिखाएंगे हम आपको। तो चलो आगे चलते हैं और आप लोग देखो। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे मामा देख रहा है शॉर्ट, नीचे लगी 200 रुपये, ये सब सारे, ये सब 200, ऊपर ऊपर वाले जो भी है 350 तक मिल जाएगा। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सस्ता शॉर्ट वगैरह सब मिल जा रहा है यहाँ पे। आप लोग बिहार से हो तो ज़रूर आना यहाँ पे ख़रीदने, हर बुधवार को लगता है ये बाज़ार। 350 में देख सकते हो क्वालिटी, एक्साइटेड लग रहे हैं हम तो, काफ़ी सस्ता सस्ता सामान मिल रहा है। ये तो अपने बिहार मुजफ्फरपुर से काफ़ी सस्ता मिल रहा है और बेहतर है। तो मन तो कर रहा है सब ले लेने का, बट क्या करें, अभी पहले घूम लेते, उसके बाद देखा जाएगा, डिसाइड किया जाएगा क्या लेना है नहीं लेना है। आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पे। आप लोग चलो और आगे देख सकते हो, काफ़ी दूर तक, अभी तक हमने 1.5 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं लेडीज़ लोग का भी 550 350 में काफ़ी मस्त मस्त सेल लगा हुआ है। तो यहाँ पे जितना A to Z सामान है ये सब सस्ता आपको मिलेगा यहाँ पे हर बुधवार को। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, करीबन हम लोग 1.5 से 2 किलोमीटर चल गए हैं, अभी तक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देख सकते हो दोनों साइड, आपको थोड़ा जूम करके हम दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए और आगे चलते हैं हम लेकर आपको। यहाँ मामा खाने के लिए खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हो मामा? नान कटा 10 रुपये के 6, 10 रुपये के 6 यहाँ पे, ये भी 10 रुपये के 6 यहाँ पे मिलता है, वो भी बड़ा वाला। अपने मुजफ्फरपुर से तो सस्ता ही यहाँ पे बड़ा मिल रहा है। तो गाइस, अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और काफ़ी यहाँ पे भयंकर टाइप का मार्केट है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एकदम भीड़ है, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा, आप लोग यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो आप लोग घूम सके तो आप लोग को यहाँ पे, हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ब्लॉग को थोड़ा ख़त्म करने का, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, हम बहुत दूर तक चल गए, 2.5 किलोमीटर प्लस यहाँ पे चल गए हैं। तो चलिए आगे आप लोग देखिए, थोड़ा इन्जॉय करो। सो गाइस, जो भी था हम लोग ने पूरा घूम लिया और हम लोग शॉपिंग भी कर लिए, हम लोग हमने भर भर के शॉपिंग कर ली और हमने काफ़ी सस्ते में ये सामान परचेस करा है। हमने 2 शर्ट लिए और मात्र 200 रुपये में शर्ट मिली है, और आप देख सकते हैं बेहतरीन शर्ट आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं घर पे और जो भी था हम लोग ने घूम लिया और काफ़ी दूर में आप लोगों को दिखाते हैं, रिव्यू देंगे इसका कि हमने क्या क्या लिया, क्या कितने में। तो अभी हम लोग घर के लिए डायरेक्ट चलते हैं और गाइस, काफ़ी पैर दर्द करने लगा, बहुत दूर में है ये मार्केट, काफ़ी दूर में है। तो चलते हैं घर, आप लोग चलो हमारे साथ। और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया तो घर पे ही जाकर एंड होगा, और काफ़ी रात भी हो गया है, तो चलते हैं यहाँ से घर। सो गाइस, अभी हम लोग मार्केट से पूरा घूम कर आ गए हैं और काफ़ी दूर तक था ये मार्केट, जैसा कि हम अभी घर पे आ गए बेड पे और थक गए, काफ़ी पैर भी दर्द करा। और जो सामान खरीदे थे वो मामा रिव्यू कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो, चेकआउट करो। सो हेलो गाइस, आप सब देख सकते हैं 350 रुपये में मात्र ये शर्ट, देख सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताना कैसा, बताना कैसा लग रहा है। और दूसरा भी देखा 350 रुपये, और दूसरा देखा कितने का है वो वाला, वो दिखाते हैं आपको लाए। और गाइस, ये देख सकते हैं ये पहन रहा है दूसरा, 200 वाले हैं। गाइस, हम लोग 200 रुपये में लाए, मात्र 200 रुपये में, देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताए। तो आज के लिए इतना ही, ब्लॉग में बने रहे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो गाइस, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।